असलम डियर स्टूडेंट क्लास से थर्ड आपका चैप्टर नंबर टी टू का रियोजन चल रहा है तो आपका चैप्टर नंबर फाइव का हम दे देंगे आपको क्वेश्चन आंसर तो आपका क्वेश्चन आंसर है समरवेटिव एसेमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है वो आप अपनी फेयर कॉपी पे ऑलरेडी लिखा हुआ वो साथ ही आप याद भी करना और नहीं लिखा है तो आपको कॉपी पर लिखना है फेयर कॉपी पर तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नेम द वेरियस टैप्स आप की ऑन द की बोर्ड्स तो आपको ये क्वेश्चन पहला का आंसर है आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ द कीज ऑन द की बोर्ड्स आर अल्फ़ाविट्स की इन फॉक्शंस की स्पेशल्स की एन कामंडस की तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर दे आ रहा है द वेरियस स्टेप्स ऑफ द की ऑन द की बोर्ड्स आर अल्फ़ाविट्स की इन फॉक्शन की इन स्पेशल की एन कॉमेंट की आपका क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर है ये क्वेश्चन नंबर दूसरा वे डू वी यूज नंबर ऑफ कीज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू का आंसर नंबर की आर यूज टू टैप्स नंबर दे आर आर एन टेन नंबर की ए मार्केट फॉर्म जरू टू नाइन तो आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है नंबर की आर यूज टू टाइप नंबर टैप्स दे आर आर एन टेन नंबर की मार्केट फॉर्म एन जरू टू नाइन तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर क्वेश्चन नंबर इन थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ मैनी फंक्शंस की आर देयर वेअर आर दीज ऑफ लोकेटेड तो ये कहाँ पे है फांशंस की इसका आपको लोकेशन बताना है तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है फांशंस की आर मार्केट फ्राम एफ़ वन टू एफ ट्व्थ को बोलते हैं आपका फांशंस की 12 number, 12 number आप दे आर आर एन टंबर ट्वेल्थ नंबर होते हैं द कीज आर लोकेटेड एट ऑफ द टॉप मोस्ट रो ऑन द की बोर्ड की बोर्ड के सबसे टॉप पे है आपका फंशंस की एफ वन टू एफ ट्थ तक है ना ट्वेल्थ नंबर है तो उसको बोलते हैं फंक्शंस की द टॉप मोस्ट ऑफ़ द रो ऑफ द की बोर्ड्स ये सबसे टॉप ऑफ द रो पे है फंक्शंस की तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर फंक्शंस की आर मार्केट एंडल्थ दे आर एंड टंबर्स द कीस आर लोकेटेड एट द टॉप मोस्ट रो ऑन द कीबोर्ड्स क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ वे डू वी यूज इट ऑफ डिलीट की आ, इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर फोर का डिलीट की इज़ द स्पेशल्स की विच इज़ एनेबल यू टू अराइज़ द लेटर्स और नंबर तो आपको कोई भी आप मिस्टेक हो या कोई भी आपने गलत लिखा है तो आपको डिलीट की आपको सेलेक्ट करके आपको डिलीट की पे इस्तेमाल करना है तो ये सारा लेटर्स एंड नंबर्स आपको डिलीट हो जाएगा डिलीट की आर इज स्पेशल्स की है विच इज़ एनेबल टू यू आर एरेज द लेटर्स और नंबर तो आपका क्वेश्चन नंबर फोर थे भी कम्पलीट चैप्टर नंबर फाइव का टी वन का रिव्यजन चल रहा है तो आपको क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट फील इन द बलेंस तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर बी का तो आपको क्वेश्चन नंबर बी में है आपका डायरेक्शन इन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इन स्पेस बार की तो आपको ये फील करना है ये जो ऑप्शन डाला हुआ है वो आपको फील करना है तो आपको पहले में है आपको पहले में बैग स्पेस की एरेज द लेटर्स है ऑन द वो कहाँ साइड पे है आपको लेफ्ट एंड राइट साइड पे है तो इसमें आपको लेफ्ट साइड है एल ई एफ टी एल ले ई एफ टी लेफ्ट साइड एस आई डी साइड लेफ्ट साइड में है ऑन द स्क्रीन ऑन द कर्सर सॉरी बैक स्पेस एरेज द लेटर्स ऑन द लेफ्ट साइड दूसरा है डेज डेज इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड सबसे लंबा वाला की कौन सा है आपको यहाँ पे आपको बैक स्पेस की बेग स्पेस की आपको यहाँ पे आपको फील करना है बी ए बी ए सी के बेग एस पी एस सी स्पेस की बेग स्पेस की इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द की बोर्ड इसके बाद है आपका थर्ड है डिलीट की एराइज द लेटर्स टू द डेज ऑफ द करसर डिलीट की एरैज द लेटर्स टू द डेडेज ऑफ द करसर क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड पार्ट है आपको राइट साइड आपको यहाँ पे राइट साइड लिखने आ रहा है जी एस टी राइट साइड यहाँ पे राइट साइड ऑफ द स्क्रीन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर है कारसर की आर आलसोनून एज द दे डेज की इसके बाद है आपको लास्ट में है आपको डायरेक्शन जो कारसर की आपको जहाँ आपको लेना चाहता है वो आपको उस कारसर पर लेके आपको मूइंग करना है यहाँ पर डायरेक्शन डी डी आई आर ई सी टी आई ओ एंड डायरेक्शन तो आपको पहले में है आपको लेफ्ट साइड एंड दूसरे में है आपको बैग स्पेस स्पेस बार की यहाँ पर बैग स्पेस डाला है सॉरी स्पेस बार की एस पी ए सी स्पेस बार की सबसे लॉन्गेस्ट की है आपका स्पेस बार की सॉरी स्टूडेंट तो आपको थर्ड में है राइट साइड एंड चौथे में है आपको डायरेक्शन इसके बाद है, है आपका फिल इन द बेलेंस ख़त्म इसके बाद है आपको नेक्स्ट है आपका राइट एंड ट्रू एंड फॉल्स तो आपको पहले में स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज वन हंड्रेड एंड फोरस की वो सही है आपको एक सौ चार्स की होता है आपको ट्रू है यहाँ पे तो आपको ट्रू लिखना है इसके बाद है नेक्स्ट में आपको नंबर की पैड कैन बी यूज़ इट ओनली वन योर एन नाम लग की ऑफ तो आपको दूसरे में है आपको आपका फॉल्स है नंबर के की पैड कैन बी यूज ओनली वन योर एन नम लॉक की इज़ ऑफ या आपको ऑन करना है या आपको फॉल्स है आपको दूसरे में आपको फॉल्स तीसरे में है आपका कॉमन से कीज़ आर यूज टू गिव एन डिफरेंस कॉमन तो आपको तीसरे में है आपको ट्रू यहाँ पे ट्रू लिखना है चौथे में है आपको सिंबल की आर मार्केट एंड एन सिंबल ये आपका ट्रू है पहले में आपको ट्रू दूसरे में फाल तीसरे में ट्रू चौथे में आपको ट्रू तो ये सारा कंप्लीट किया है मैंने क्वेश्चन नंबर सी तक आपको नेक्स्ट से आपका फार्मेटिव स्टेटमेंट मैच आप फॉलिंग कल दे देंगे इंशाल्लाह इसके बाद में यहाँ पे अख्ताम करना चाहता हूँ नेक्स्ट इन आपसे फिर से मिलेंगे असलकुम वरहि वर्कू